11:11 खबरें आप देख रहे हैं और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं और पीड़ित परिवारों को सीएम योगी ने चेक सौंपे हैं। ये वो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपनों की जान गंवाई है कुवैत अग्निकांड में। तो वाराणसी के एक शख्स हैं इसमें, गोरखपुर जिले के भी दो लोग हैं जिनके पार्थिव शरीर अभी पहुंचे कल और फिर अंतिम संस्कार उनका किया गया। ये आर्थिक मदद का ऐलान जो राज्य सरकार की तरफ से किया गया था उसी का चेक देते हुए इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में। तो कुवैत अग्निकांड में पीड़ित के घर सीएम योगी इस समय मौजूद और सीएम योगी ने परिवार को चेक सौंपा है। तो बड़ा कमिटमेंट आपका ये पूरा हुआ है। 40 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है जो भारतीय हैं, कुल मिला के 49 लोगों की मौत हुई है। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 11 बजे की 11 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको राजनीति की 10 बड़ी खबरें पॉलिटिकल टॉप 10 न्यूज में। गोरखपुर में सीएम योगी ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का जायजा लिया है, अधिकारियों को समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के आदेश दिए। झांसी में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश कुमार ने मां पीताम्बरा धाम में दर्शन पूजन किया है। अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी को ही असली राम भक्त माना कहा। घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली लीलावती राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना, कहा मेरी मेहनत ने मुझे वोट दिलाया। ओम प्रकाश राजभर अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। चुनावी जनादेश के बाद सांसद से सरकार को चुनौती देने की तैयारी में विपक्ष, संसद में लोकसभा स्पीकर को के लिए विपक्ष उतार सकती है अपना उम्मीदवार। कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का बयान, मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया है तो क्यों मंत्री बनाए। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा की समीक्षा के लिए बीजेपी की टीम आज बंगाल जा सकती है। 4 संसदीय समिति में रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल, कविता पाटीदार शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ सुबह 10 बजे से विरोध प्रदर्शन। गोरक्षपीठ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए निर्देश समाधान के। और वीआईपी कल्चर पर सीएम योगी का आदेश, का सभी गाड़ियों से हटाए गए हैं प्रेशर ऑन और हूटर, आदेश नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई। और आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे पहले बता रहे हैं एटा की खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अजेंद्र शर्मा और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। अजेंद्र, कैसे ये हुआ है हादसा, पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए इस पे। एटा जिले के रिजोर थाना क्षेत्र का मामला है, यहाँ शुफाबाद और सिरसागंज और आगरा के कुछ रिश्तेदार आपस में मिलकर एक कार से गंगा स्नान करने के लिए सोनो जी आए थे, और यहाँ से गंगा स्नान करने के बाद में जब वापस जा रहे थे तभी रिजोर थाना क्षेत्र के एटा शुकाबाद रोड पर ट्रैक्टर और कार में भीषण भिड़ंत हुई है। बताया जाता है कि बस को ओवरटेक करने को लेकर ये हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें सास बहू और एक अन्य बताए जा रहे हैं। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और मौके पर शांति बनी हुई है। जी अजेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दुखद हादसा जिसमें कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में देखिए 3 लोगों की मौत हो गई है, और 3 लोगों की मौत के अलावा
जो जानकारी मिल रही है उसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और टैंकर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग घायल हुए हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, मुरादनगर थाना इलाके में हादसा हुआ। तो गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा, ट्रक टैंकर की टक्कर और 4 लोगों की मौत। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि गाजियाबाद में एक और हादसा हुआ है, जहां पर 3 लोगों की जो मौत हुई है वो ट्रेन की चपेट में आने से भी हुई है। 3 लोगों की मौत, 3 युवकों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहीं सड़क हादसा भी हुआ है गाजियाबाद में, भीषण सड़क हादसा जिसमें ट्रक टैंकर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग घायल हुए हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। जून को रात्रि करीब 1:15 बजे एक आयसर कैंटर HR69C8183, यह आयसर कैंटर गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा से ईंट भट्टा मजदूरों को लेकर के हरदोई की तरफ जा रहा था, जब यह आयसर कैंटर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रेवड़ी रेवाड़ा बहद ग्राम थाना क्षेत्र मुरादनगर से होकर गुजर रहा था कि कुछ लोग इसमें से लघु शंका के लिए उतरे थे। पीछे से आ रहे एक ट्रक संख्या EV10HU6281, इस ट्रक ने इसको पीछे से साइड मार दी, जिसके कारण आयसर टैंकर टकरा करके पलट गया और इसमें से करीब 35 सवारियां थी, जिसमें से 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। खानपुर से खबर, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और टक्कर मारकर आरोपी फरार हो गया है। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 100 मीटर दूर जाकर गिरा। किदवई नगर थाना के साकेत नगर इलाके में ये घटना देखी गई। चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर खाड़ी में जा गिरी है। तो ये बस अनियंत्रित होकर खड़े हुए ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में 12 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं को लेकर झारखंड से केदारनाथ धाम जा रही थी। इस दौरान झांसी गांव के पास हाईवे पर सड़क किनारे जो ट्रक खड़ा हुआ था उसमें टक्कर हो गई और इस हादसे में चीख पुकार मच गई श्रद्धालुओं की तरफ से। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।